जय माता दी। सत्यवाणी में आपका स्वागत है। आज हम आपको सूतक के बारे में बताएंगे। वर्तमान अवस्था में मनुष्य पाश्चात्य संस्कृति को अपनाते हुए सूतक का नियमों का पालन नहीं कर रहा है। आज की युवा पीढ़ी अपने सुनहरे उज्जवल भविष्य की कामनाओं के लिए बहुत प्रयास करती है, परंतु अपनी गलतियों से स्वयं अपने जीवन एवं परिवार में माता पिता के लिए कई प्रकार की समस्या खड़ी कर रहे हैं, जिसको समय रहते महत्वपूर्ण अनुभवी सुझावों द्वारा आप अपनी जिंदगी को सुधार सकते हैं। परिवार द्वारा सूतक के परंपरागत नियमों, परिपाटी, चलन, रीति रिवाज, मान्यता, हमारी संस्कृति, हमारे संस्कार और धार्मिक कानून, प्रतिबंधात्मक शर्त, नियम, बड़े बुजुर्गों द्वारा बनाए गए कुछ कानून, समाज द्वारा नियम बनाए गए, धर्म द्वारा लगाई गई कुछ बंदिशों का पालन, क्योंकि आप भौतिकता, आधुनिकता एवं वैज्ञानिक विचारधारा में शामिल हो गए हैं, इस कारण आप परंपरागत मान मर्यादा और को रूढ़िवादी चीज मानने लगे हैं, और इस रूढ़िवादिता में ही सुख एवं शांति छिपी है। विभिन्न बड़े बुजुर्ग वृद्ध व्यक्तियों से विचार विमर्श करने पर, अनुसंधान करने पर, बहुत से तथ्यात्मक वैज्ञानिक आधार पर कारण प्राप्त हुए हैं। पुरानी परंपराओं को नहीं मानने पर दुर्भाग्य उत्पन्न होता है। कैसे? कि पुरानी परंपराओं को नहीं मानने पर आपका जीवन नरक के समान हो सकता है और होता है। पुरानी परंपरा मानने को नहीं मानने पर आपका जीवन दुख, कष्ट, व्यथा, दरिद्रता, क्लेश, भय, अशांति, चरित्रहीनता, रोग, शोक, बंधन, अपमान में गुजरेगा और मृत्यु तुल्य कष्ट आपको प्राप्त होंगे। कभी भी आप ये नहीं कहेंगे कि हमें जीवन में सुख की प्राप्ति हुई। आप हमेशा यही कहेंगे, जीवन एक संघर्ष है और जीवन में आने का मतलब है कष्टों को भोगना। तो सूतक की वजह से बहुत से कष्ट मिलते हैं आपको। अब सूतक क्या है? सूतक यानी अछूतता। बहुत से व्यक्तियों से मैं मिलता हूं, वो ये कहते हैं कि साहब सूतक का मतलब क्या, हमें नहीं मालूम सूतक क्या होता है। अलग अलग भाषा में बोलते हैं, कहीं पे अछूतता बोलते हैं, तो मैं अछूतता भी बोल देता हूं। सूतक में या अछूतता में जो वर्जित है उनका पालन करना चाहिए, अन्यथा शारीरिक, मानसिक और आर्थिक परेशानियों का सामना करना पड़ता है। हम मान के चलते हैं कभी कभी सभी धर्मों में, करीब करीब सभी धर्मों में विभिन्न मान्यता और परंपराएं हैं, जो बहुत सी जगह किताबों में लिखी हुई नहीं है, धर्म ग्रंथों में लिखी हुई नहीं है, परंतु ऐसी मान्यता और परंपरा चली आ रही है। ऐसे ही कई विधान सम्मत महत्वपूर्ण बिंदु भी छुपे हुए हैं, परंतु हम आजकल बहुत ज्यादा पढ़े लिखे इंजीनियर, डॉक्टर, वैज्ञानिक होने की वजह से इन कर्मकांड पर अधिक ध्यान नहीं देते हैं और भूल जाते हैं या इनका पालन नहीं करते हैं। मेरा ऐसा मानना है कि यदि आजकल के इस कलयुग में मनुष्य द्वारा इस विषय पर विचार नहीं किया गया और नहीं अपनाया गया, तो प्रत्येक घर में कष्ट ही कष्ट रहेंगे, ये निश्चित है। और मनुष्य मनुष्य नहीं रहेगा, वो राक्षस बन जाएगा, मांस का भक्षण करेगा, शुद्ध पवित्र होते हुए मांस का भक्षण पवित्र करेगा, मदिरा पान करेगा। बहुत से समाज ऐसे हैं जहां पे मांस मदिरा खाना पीना पूर्णतः प्रतिबंध है, परंतु आज वो ही समाज
मांस खाता है, मदिरा पान करता है, उसका वजह केवल यही है कि आप अछूतता और सूतक के नियमों का पालन नहीं करते हो। आप मांस का भक्षण करेंगे, मदिरा पान करेंगे, अपनी पत्नी को मारोगे, गृह लक्ष्मी का अपमान करोगे, पराई स्त्री का भोग करोगे, लाइलाज बीमारियों का सामना आपको करना पड़ेगा यदि इन नियमों का पालन नहीं किया गया तो। आपका भाग्य भी साथ नहीं देगा और अंततः आप पाप के गर्त में गिरकर उसमें सिवा पछतावा और कष्ट के कुछ भी प्राप्त नहीं होगा। और कहीं कहीं जगह हमारे द्वारा देखा गया है कि परिवार के कुछ सदस्यों के द्वारा आत्महत्या तक कर ली जाती है। सूतक का अर्थ, सूतक का अर्थ अछूत या गंदी अवस्था बोलते हैं। जिसे शमशान से जाकर के आना वो अछूतता कहलाती है, उसे सूतक बोलते हैं। किसी के घर में मृत्यु हो जाना वो सूतक काल कहलाता है। किसी के यहां बच्चे का उत्पन्न होना सूतक कहलाता है। स्त्री पुरुष के सहवास करने के बाद में जब तक स्नान न कर ले तब तक का समय सूतक कहलाता है, अछूतता कहलाता है। पिता के मरने पर, गुरु जी के मरने पर सूतक अवश्य लगता है। सूतक अवस्था में किसी भी प्रकार की पूजा नहीं की जाती है। अछूतता की अवस्था में पूजा नहीं की जाती है। किसी भी मांगलिक कार्य में जाना अशुभ होता है। किसी के पैर नहीं छूना चाहिए, किसी हवन में नहीं बैठना चाहिए, भगवान की आरती नहीं करना चाहिए, कपड़े नहीं सिलना चाहिए, कपड़े को नहीं काटना चाहिए, भगवान की पूजा नहीं करना चाहिए, मंदिर नहीं जाना चाहिए, गोद भराई का कार्यक्रम नहीं करना चाहिए और किसी भी देवी धाम यानी तीर्थ स्थल पर नहीं जाना चाहिए। सूतक काल में शादी ब्याह भी नहीं होते हैं। सूतक काल में तीर्थ यात्रा करना भी प्रतिबंध है। सूतक अवस्था में स्त्री के साथ संभोग, स्त्री के साथ सहवास, स्त्री के साथ रमण करना भी प्रतिबंध है। सूतक अवस्था में बच्चे का मुंडन नहीं करना चाहिए, अन्यथा बच्चे के जीवन पर प्रभाव पड़ता है। बच्चा हो सकता है पागल हो सकता है, आगे आगे समय आने पर बच्चे का दिमाग नष्ट भ्रष्ट हो सकता है। जब स्त्री के द्वारा बच्चे पैदा किए जाते हैं तब स्त्री कमजोर होती है, शारीरिक रूप से और मानसिक रूप से भी। इसलिए उसके कमरे में किसी व्यक्ति को नहीं जाने दिया जाता है। हम बोलते हैं अछूतता है, सूतक है, उसको एवं उसके बच्चों को भारी बीमारी लगने की संभावना अधिक होती है। साथ ही साथ उस परिवार के कुल देवी एवं कुल देवता उसकी रक्षा के लिए उपलब्ध नहीं रहते हैं। इसलिए बुरी नजर से बचाने के लिए भी उसको इधर उधर अकेले जाने से रोका जाता है, उसी को सूतक कहा जाता है।